नमस्कार, स्वागत सभी देखने सुनने जाने वाले सभी दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों का। आज का वीडियो है पार्ट टू अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का। यदि आपने अप्लाई किया है स्कूल टीचर और रिसोर्सेज पर्सन की जॉब के लिए, जी हाँ, यदि आपने स्कूल टीचर और रिसोर्सेज पर्सन की वैकेंसी यानी कि जॉब के लिए अप्लाई किया है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन पे, तो फॉर्म भरने के बाद का अगला स्टेप होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास आप तभी कर सकते हैं जब आपको मालूम होगा क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितना पढ़नी है, कैसे आएंगे सवाल और कैसे देने हैं आपको उसका जवाब। यह सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। लेकिन एक छोटी सी अपील यही करूंगा कि वीडियो जितना देखना है उतना देखिएगा, अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार लाइक और शेयर कीजिएगा। समझ में ना आए तो सवाल कर लीजिएगा और सवाल करने से पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। घुमा फिरा के वही बात कि वीडियो देखना है पूरा, और पूरा देखने समझने के बाद यदि फिर भी कुछ ही समझ में ना आए तो एंट्रेंस से पहले तक मुझसे भी सवाल कर सकते हैं, जो भी कोई कंफ्यूजन हो। सबसे पहली चीज, कई पार्ट्स में डिवाइड होगा वीडियो, कितने पार्ट्स होंगे उसको सुन लीजिए। एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, इसकी जानकारी आपको है, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन तीन पार्ट में बटा होगा। जी हाँ, तीन तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। किस किस एरिया से क्वेश्चन हो सकते हैं या होंगे, ये भी नहीं कहता हूँ, संभावनाएं ही बताऊंगा आपको। और एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे और कितने आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे और कितने आएंगे, सिचुएशनल क्वेश्चन कैसे और कितने आएंगे, कंडीशनल्स क्वेश्चन कितने और कैसे आएंगे, कन्वर्सेशन बेस क्वेश्चन कितने और कैसे आएंगे, इन सभी की बात करूंगा। पांच पार्ट हो गए पेपर के। पेपर कितने घंटे का आएगा, पेपर कहाँ से बैठ कर या कहाँ जाकर देखना है, इसकी भी आपसे बात करूंगा। और कैसे आपको एडमिट कार्ड या रोल नंबर या लिंक मिलेगा, उसकी भी बात करूंगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा होगा, सूचनाएँ नहीं दे रहा हूँ, कोई चीज़ वो पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अपना अनुभव, कुछ अधिकारियों से बातचीत जिन बच्चों का एंट्रेंस हो चुका है दिसंबर और फरवरी के महीने में, उनके अपने अनुभव, यही सब बातें मिलाकर आपको बताऊंगा। और एंट्रेंस के लिए कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, उसके विषय में लास्ट में बताऊंगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो करते हैं शुरू। ठीक है, चौथी बार शूट कर रहा हूं उस वीडियो को, बार बार शूट करता हूँ फ़ोन आ जाता है, बार बार शूट करता हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, इसीलिए बहुत दिक्कतों के बाद ये वीडियो शूट हो रहा है। और आप भी जानते हैं कि साला कंप्यूटर भी ख़राब हो गया है, तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी क्योंकि आप लोगों के एंट्रेंस हैं 1 मई से, 1 मई यानी कि 48 घंटे के बाद, तो वीडियो को देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज़, आपको एग्ज़ाम देने के लिए किसी जगह नहीं जाना है, अपने घर से बैठ कर ही आपको एग्ज़ाम देना है। पहली बात, लिख ली इसको, कागज में ले लीजिए, लिख लीजिएगा, घर से ही आपको एग्जाम देना है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, आप इस एग्जाम को अपने फोन पर, अपने कंप्यूटर पर, अपने डेस्कटॉप, कंप्यूटर और डेस्कटॉप में यदि कैमरा है तो उस पर भी दे सकते हैं, नहीं तो लैपटॉप का यूज लेना, क्योंकि कैमरा फोन में होता है, लैपटॉप में होता है, कंप्यूटर में इनबिल्ट कैमरा नहीं होता है, आपको अलग से ऊपर लगाना पड़ता है। ठीक है, इसको कैमकॉर्डर कह लीजिए, हैंडीकैप कह लीजिए, वो लगाते हैं। यदि ये है तो एग्ज़ाम आप लैपटॉप से भी, कैमरे से भी दे सकते हैं। ठीक है, आपका कैमरा और आपका माइक दोनों ठीक हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। आप किसी कैफ़े में जाकर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, यदि वहाँ पर माइक्रोफोन की और कैमरे की व्यवस्था है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपके चेहरे का सैंपल मांगा जाएगा और आपकी आवाज़ का भी सैंपल मांगा जाएगा, अगर ऐसी कंडीशन रही तो, कंपलसरी नहीं है लेकिन कंडीशन रही तो देना पड़ेगा सिक्योरिटी रीजन की वजह से। ठीक है, सबसे पहले समझ गए आप, एग्जाम ऑनलाइन होगा, कहीं जाना नहीं है। पेपर का समय 90 मिनट या 120 मिनट तय किया गया है, कुछ बच्चों का एग्जाम 90 मिनट, कुछ बच्चों का एग्जाम 1 घंटे 20 मिनट का हुआ है। दूसरी और तीसरी चीज, मैं स्टेप भूल जाऊंगा, पहला दूसरा पॉइंट लिखते रहिएगा। ठीक है, अगली चीज, पेपर मैंने बताया आपको का कई पार्ट्स में बटा होगा। पहला पार्ट होगा MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यह क्वेश्चन 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, इस बात का आप बारीकी से ध्यान करिएगा। अब ये 20 क्वेश्चन किस एरिया, फील्ड, क्षेत्र या आपके सब्जेक्ट से अंदर के होंगे या बाहर के होंगे, इसको समझिए। यदि आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन के बारे में सुना है या समझा या जानते हैं, यदि आप मास्टर ऑफ एजुकेशन को समझते जानते हैं, यदि आप एलिमेंट्री एजुकेशनल को समझते और जानते हैं, यदि आप
अडल्ट एजुकेशन को समझते और जानते हैं, और यदि आप चाइल्ड एजुकेशन या चाइल्ड साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं, इन पांचों में से किसी भी एक चीज़ को जानते समझते हैं, तो आपको बहुत तकलीफ नहीं आने वाली इस एंट्रेंस को पास करने के लिए। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो इन पांचों चीज़ों को नहीं जानते हैं, वे क्या करें, उनके लिए मैं विकल्प देता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब ये वीडियो आप देखेंगे, मैं कुछ वेबसाइट्स के लिंक में डाल दूंगा नीचे, ठीक है, कुछ वेबसाइट्स के लिंक डाल दूंगा। उन वेबसाइट पे जाइएगा, आपको वहाँ पीडीएफ फॉर्म में बीएड के पाठ्यक्रम की कुछ पुस्तकें मिल जाएंगी, ठीक है। उन पुस्तकों को कैसे पढ़ना है, क्योंकि बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, वो 200 250 100 पेजेस की हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको तैयारी करने में कुछ किताबें आपको बता दूंगा, आप उनको कॉपी कर लीजिएगा। फ्री किताबें हैं, वेबसाइट से कोई पैसा नहीं है, पढ़ लीजिएगा, भविष्य में भी काम आएगी, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको कोई किताब तो दे नहीं पाऊंगा कि भैया ये 100 पेज की किताब है, पढ़ लीजिएगा, 5 दिन में आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। मैं कोई ऐसा जड़ी बूटी नहीं देने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन इन इन क्षेत्र से आएंगे। बहुत से सवाल आए थे मेरे पास जब मैंने अजीम प्रेम जी का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था अभी 5-6 दिन पहले, कि सर सिलेबस के लिए कोई बुक बता दीजिए, क्या पढ़ें क्या बता दीजिए, समय कम है क्या पढ़ें। तो समझिए इस चीज़ को, और क्या ना पढ़ें पहले ये समझ लीजिए। आपसे पेपर में जीके जनरल नॉलेज नहीं पूछा जाएगा, जीके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अभी मैं केवल एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू की नहीं। इंटरव्यू बहुत ब्रॉड लेवल पर है, बड़े लेवल का है, और कई चरणों में इंटरव्यू होता है, आप जानते हैं 2 से 4 इंटरव्यू होते हैं, उसकी बात मैं चौथे वीडियो में करूँगा, ये दूसरा वीडियो है अजीब प्रेम जी का। तो आज समझिए एंट्रेंस को, जीके नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। एंट्रेंस में किसी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल हो, पर्यावरण हो, या फिर पॉपुलेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, देखो उंगलियाँ चार ही हैं, पॉइंट्स बहुत हैं, फिर भी समझ लीजिए, जीके नहीं पूछा जाएगा, पॉपुलेशन नहीं पूछा जाएगा, पॉलिसी नहीं पूछी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान नहीं पूछा जाएगा, किसी भी राज्य विशेष का कोई इतिहास, कोई भूगोल, कोई नागरिक शास्त्र, कोई संवैधानिक परिवर्तन या किसी प्रकार का रीजनिंग भी नहीं पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अब आप समझिए कि जो मैं बता रहा हूँ ये किस किस सिलेबस में लागू होगा, एक किस किस उस पर लागू होगा, रिसोर्स पर्सन या स्कूल टीचर। ज़्यादा पोर्शन इसमें लागू होगा टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और टीचिंग दोनों ही फील्ड में है, चाहे स्कूल टीचर हो या रिसोर्सिस पर्सन हो। रिसोर्सिस पर्सन का स्तर या लेवल बहुत हाई है, इस हाई लेवल को आप समझेंगे जब मैं आपको इंटरव्यू के विषय में बताऊंगा कि कितना हाई लेवल का है रिसोर्सिस पर्सन की जॉब, आपकी जिम्मेदारी और आपका काम, तब आप इस महत्व को समझेंगे। क्योंकि अप्लाई तो कर दिया फॉर्म के लिए, लेकिन अप्लाई करने से जस्ट पहले उस अजीम प्रेम जी फाउंडेशन org वेबसाइट पर जो फ्रंट पेज था उसको नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा है तो समझा नहीं है। अगर समझा होता तो सवाल नहीं करते क्या सिलेबस होगा, क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे, सब डिटेल जानकारी वहां दी गई है और कम शब्दों में दी गई है। नहीं समझे हैं तो भैया उसी के लिए मैं बैठा हूं ना, खड़ा हूं ना, खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहा हूं, आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखिए चाइल्ड एजुकेशन समझिए कि बच्चों के अंदर शिक्षा का विकास या शिक्षण का विकास किस तरीके से हो सकता है, और बच्चे को जो हम शिक्षा देते हैं किस किस माध्यम से देते हैं, किस किस टेक्निक तरीका, टेक्नोलॉजी कह लीजिए या उसको ट्रिक कह लीजिए, उसके तरीके से देते हैं। क्योंकि एक बच्चे का जो मस्तिष्क होता है ना, उसका मेंटली जो IQ होता है बहुत लो लेवल का होता है, उसको जनरेट करना पड़ता है। जैसे कि आपके पास यदि आग है और आपके सामने आग और आपके पास पेट्रोल है, तो जब तक पेट्रोल नहीं डालेंगे ना आग में, आग की जो ज्वाला है वो भड़केगी नहीं। उसी प्रकार आपको बच्चे के अंदर जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए कुछ टेक्निक्स का प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ टूल्स किट का प्रयोग करना पड़ेगा। टूल्स किट आज के समय का विवादास्पद शब्द है, टूल्स किट, और टूल्स किट क्या है और क्यों विवादास्पद है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो कुछ तरीके आपको समझने होंगे, और इन तरीकों को ही एजुकेशनल की फील्ड में बोलते हैं पेडागोजी यानी कि शिक्षण। और हाँ, मैं शिक्षा से नहीं हूँ, मैं नॉर्मली एक रिसर्चर हूँ, विद्यार्थी हूँ, वह मेरी फील्ड है सोशल साइंस, एजुकेटर नहीं हूँ मैं, ना ही मैं पैडागोजी समझता हूँ। लेकिन बच्चों को किस तरीके से आप समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उसको विकसित करने की क्या तकनीक होती है, इसको बोलते हैं शिक्षण अभिक्षमताएँ, इसी को बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। और इस पोर्शन को कंप्लीट बारीकी से कर लीजिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी छोड़ दीजिएगा, चाहे स्कूल टीचर हो या रिसोर्सिस पर्सन, स्कूल रिसर्च मेथोडोलॉजी छोड़ दीजिएगा, वह
इंटरव्यू का पार्ट होगा, स्कूल टीचर का इंटरव्यू या रिसोर्स स्पेंडर का इंटरव्यू मेरे से पूछा जाएगा, वह मैं आपको आगे बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। बच्चों के बारे में पढ़ लीजिएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड एजुकेशन, पैडागोजी यानी कि शिक्षण पढ़ाने का तरीका, और अडल्ट एजुकेशन, और एक होती है स्पेशल एजुकेशन। समझते हैं क्या स्पेशल एजुकेशन? ऐसे विद्यार्थी, ऐसे बच्चे बच्चियां जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, विकृत होते हैं, प्रकृति द्वारा उनको वैसा बनाया जाता है। यानी कि कुछ विद्यार्थी मूक हो सकते हैं, कुछ बधिर हो सकते हैं, यानी कि कुछ लोगों को देखने की, यानी कि जैसे हम आम भाषा में अंध कह देते हैं, सूरदास कह देते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते प्रॉपरली, देख नहीं सकते, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थियों का जो शिक्षण अध्ययन अध्यापन होता है उसी को बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, और इसी को बोलते हैं स्पेशल बीएड। इस प्रकार के सिलेबस को भी कवर कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब, बहुत सी वेबसाइट खोलिएगा, पढ़ लीजिएगा क्या होता है, क्या टेक्निक्स, क्या रूल्स, क्या नियम, और क्या पढ़ाने के विशेष तरीके होते हैं नॉर्मल बीएड के बच्चों को और स्पेशल बीएड के बच्चों को। इसको भी आप पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा और उसके साथ साथ अडल्ट एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो ज्यादा सुविधाएं होंगी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बकवास की अभी पिछले 4 से 5 मिनटों में, इन सब का संबंध होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पहले पार्ट से, जिसके अंदर 15-20 या कुछ बच्चों के 30 सवाल भी पूछे गए हैं, ठीक है। आधे घंटे का समय मिलेगा पहले पोर्शन को करने के लिए। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एक सवाल, 4 जवाब, 1 सही 3 गलत, आपको लगाना है एक पे निशान जो आपकी समझ, बुद्धि, नॉलेज, इंफॉर्मेशन के अनुसार सही होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, ठीक है। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरे पार्ट पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरा पार्ट है डिस्क्रिप्टिव, जी हाँ, और यही सबसे मेजर पार्ट है, सबसे क्रिटिकल पार्ट तो मैं भी आया नहीं हूं, क्योंकि मोदी जी ने मन की बात में कहा था कि विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, छोटे बच्चों को सबसे पहले मुश्किल सवालों को आंसर करना चाहिए, तब ठीक है, तब आत्मविश्वास आता है। मेरा मानना ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा साइंस और सोशल साइंस का हूँ, मैं थोड़ा इजी से हार्ड की तरफ जाता हूँ। मैं मोदी तो नहीं हूँ, ना बन सकता हूँ, ना ही कभी बनना चाहता हूँ इस जन्म में। आपको बनना है, बनना चाहते हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबकी अपनी अपनी दृष्टि, थिंकिंग पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। अब आते हैं दूसरे पार्ट, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। कुछ आपको सवाल दिए जाएंगे, ठीक है, उस सवाल के नीचे कुछ कुछ एक एक सिचुएशन दी जाएगी, ठीक है ना, सिचुएशन कह लीजिए, या फिर कुछ संभावनाएं दी जाएंगी, उसके नीचे 4-5 सवाल दिए जाएंगे, उसके जवाब नहीं देने हैं। ये तीसरा पार्ट है, हम थे दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में आपको एक सवाल दिया जाएगा, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल हो सकते हैं, और उन सवाल के जवाब आपको अपने उस ऑनलाइन पेपर में ही टाइप करके देने हैं। अब टाइप करके देने हैं, संकट खड़ा हो गया ना आपके सामने, क्योंकि अधिकांश वीडियो देखने वाले और आज की युवा पीढ़ी कंप्यूटर से बहुत दूर है, और कंप्यूटर में टाइपिंग से तो कोसों दूर है, कोसों नहीं मील दूर है, मीलों कि हनुमान जी जब गए थे ना लंका में, रामेश्वरम से धनुषकोटि से जंप मार के 400 किलोमीटर था 100 योजन। तो इसीलिए कंप्यूटर तो हम जानते हैं, लेकिन टाइपिंग से बड़े अनजान हैं हम लोग, और यहाँ तो आपको जवाब टाइप करके देना है, तब क्या करेंगे। अब समझिए, उसका विकल्प, उसका समाधान आपको एंट्रेंस से पहले संस्थान दे रहा है, इसीलिए एंट्रेंस से पहले रूल्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, आप मैसेज टाइप करते हैं, गड़ 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 उंगलियों से नहीं, अंगूठे से करते हैं, ठेंगा बहुत काम का है आज के समय में, ठेंगा अंगूठे का प्रयोग करें पड़ते हैं टाइप करने के लिए फोन्स में, लेकिन यहाँ अगर आप फोन से एग्जाम दे रहे हैं तो अंगूठे का ही प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप लैपटॉप और डेस्कटॉप से काम कर रहे हैं तो उंगलियों का प्रयोग करना पड़ेगा, अंगूठे का इस्तेमाल स्पेस के, ASDF, JKLM, सेमीकोलम, ऐसे उंगलियाँ रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कमेंट करके उनसे पूछ लीजिएगा, आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना पेपर हिंदी में देना है या इंग्लिश में आप लगा देंगे। फिर आप जब अपने सवाल के जवाब को टाइप करेंगे उसके लिए आपको एक लिमिटेड स्पेस मिलेगा। पहली चीज, 3 पार्ट में जवाब देना है और 3 तरीके से जवाब देना है। पहला पार्ट, आपको एक लिमिटेड स्पेस मिलेगा, 1/4 का या 1/2 पेज का, उसी में आपको अपने जवाब को टाइप करना है, ध्यान रखिएगा। पहली चीज, उससे ज्यादा आपका मैटर अगर करेगा तो आपको रेड शो कर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम मैसेज टाइप करते हैं, टेक्स्ट मैसेज, तो उसमें लिमिट होती है वर्ड्स की, या ट्वीट ट्वीट पे हम जब कुछ टाइप करते हैं
उसमें भी लिमिट करती है, जब ट्वीट पे एक्स्ट्रा वर्ड होते तो लाल दिखा देता है ना, या आपकी पोस्ट को पब्लिश नहीं करता होगा, वही मैसेज में होता है। यदि आप टेक्स्ट मैसेज को ज़्यादा टेक्स्ट उसमें वर्ड लिख देते हैं तो मैसेज सेंड नहीं होगा, फेल हो जाएगा, नॉट डिलीवर दिखाएगा या रिसेंड का ऑप्शन आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा कि आपसे किसी सवाल का जवाब यदि 200 वर्ड में या 300 वर्ड में या 500 वर्ड में मांगा गया है, आप 500 से 450 वर्ड टाइप करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 480 करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 499 करेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही 501 कर देंगे दिक्कत है, सबमिट नहीं होगा वह सवाल आपका और लाल रंग का डॉट आ जाएगा, निशान बन जाएगा। तो याद रखिएगा जितना स्पेस जितना वर्ड लिमिट दिया गया है पार्ट टू में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, और ये जो एंट्रेंस का मैं तरीका बता रहा हूँ ना, ये रिसोर्सिस पर्सन और स्कूल टीचर दोनों में लागू होगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल टीचर के एग्जाम का पैटर्न अलग होगा, रिसोर्स दोनों का सेम होगा, मुझे बच्चों ने तो यही बताया है। सही गलत इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, मेरी बात पे बिलीव करना है बिलीव करिएगा, नहीं तो आप अपने संशय को दूर करने के लिए किसी और सोर्स माध्यम का भी सहारा जरूर लीजिएगा। अंधभक्तों की तरह मेरी बात पर बिलीव मत कीजिएगा, जो बोलता हूँ उसको क्रॉस चेक कीजिए, वेबसाइट पर जाइए, लोगों से बात करिए, जानकारों से बात करिए और अपनी बुद्धि और समझ का परिचय देते हुए एंट्रेंस को दीजिएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट कवर कर लिया हमने एंट्रेंस का, प्यास लग गई है, पानी के गिलास ले लेते हैं और पी लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो गिलास हाथ में है, पिया नहीं है, क्योंकि अब आएंगे सिचुएशनल क्वेश्चन पे, कंडीशनल क्वेश्चन पे, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सबसे डिफिकल्ट सबसे क्रिटिकल, और यदि इस पार्ट को आप क्लियर कर लेते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और इस पार्ट के बाद एक कंपलसरी सवाल आता है जिसको अटेंड करना ज़रूरी है, उसको छोड़ने का मतलब ये भी होगा कि आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो एक मैंडेटरी क्वेश्चन क्या होता है उसके विषय में बाद में बताऊंगा, 10 सेकंड लेता हूं, पानी पी ही लेता हूं। आ गए पुनः आपके समक्ष अपना चेहरा और थोड़ा दिखाने के लिए। कंडीशनल और सिचुएशनल क्वेश्चन, और ये कंडीशनल सिचुएशन क्वेश्चन स्कूल टीचर की जॉब के लिए वैकेंसी हो या फिर रिसोर्सेज पर्सन के लिए हो, दोनों के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, या फिर यदि आपने बीएड के बारे में सुना होगा, एमएड के बारे में सुना होगा, या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन अडल्ट एजुकेशन इसके बारे में सुना होगा, तो आपको कुछ महीनों के लिए किसी सरकारी प्राइवेट या निजी स्कूल में भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग का मतलब कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और क्या आप बच्चों को पढ़ाने के योग्य हैं भी नहीं, यानी कि आपने तो बीएड ले लिया डिस्टेंस के माध्यम से, कुछ बच्चों ने, कुछ ने रेगुलर के माध्यम से, लेकिन जब आपने सीटेट किया, पास किया, एसटेट पास किया, स्टेट का पास किया, आप गए स्कूल में चयन हुआ, पता लगा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखना भी नहीं आता है, आप मार्कर का यूज कैसे करते हैं, किस एंगल पे मार्कर से लिखना होता है, और मार्कर के भी तीन टाइम्स होते हैं, वाटर होता है, परमानेंट होता है, नॉन डिजिबल होता है, आपको समझ नहीं है, तो यही शिक्षण की तरीका, यही टेक्निक आपको सिखाई जाती है ट्रेनिंग में, और उसी ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है सिचुएशनल क्वेश्चन, सिचुएशनल कंडीशनल और सिचुएशनल बच्चों को हैंडल करना विशेष परिस्थितियों में। मैंने 6 शब्द बोले हैं, अगर आपने पकड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पकड़े हैं तो मैं रिपीट कर दूंगा विद एग्जांपल के साथ में। मान लीजिए आप कहीं कक्षाएं पढ़ाने के लिए, ठीक है, आप हैं मुंबई जैसे शहर के रहने वाले, या इलाहाबाद जैसे शहर के रहने वाले, या दिल्ली जैसे मेट्रो शहर के रहने वाले, नोएडा शहर के रहने वाले, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए मौका मिल गया है किसी दूर दराज के आदिवासी क्षेत्र में, या फिर आप हैं शहर के, आपको मिल गया है एक ऐसे मुस्लिम बहुल एरिए में पढ़ाने के लिए, या आप हैं ए भोजपुरी आपकी, ए मैथिली आपकी भाषा है, या अवधि भाषा है, या पंजाबी भाषा है, और आपको पढ़ाने के लिए दे दिया गया है गोवा जहाँ क्रिश्चियनिटी इंग्लिश चलती है, या आपको केरला दे दिया गया है जहाँ कन्नड़ चलती है। इस कंडीशन को बोलते हैं सिचुएशनल सवाल, सिचुएशन के अनुसार शिक्षक को कैसे सवालों को टैकल करना है और उसका जवाब देना है और स्टूडेंट को संतुष्ट करना है। नहीं समझे हैं तो वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, इससे सरल भाषा में शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा, कोई और तरीका कहीं मिलता है तो उसको जरूर सीखिएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल कैसे आएंगे, मान लीजिए आपके सामने सवाल ऐसे आया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो बोल रहा हूँ वही आएगा, ऐसे भी आ सकता है क्योंकि ऐसे सवाल तो आ चुके हैं, अब ये आपकी किस्मत है कि उस सवाल को रिपीट कर दे या उसी सवाल को मॉडिफाई करके कुछ चेंज करके आपके समक्ष रखे। आप गए कक्षा में पढ़ाने के लिए, लेकिन आप घर से जब आए हैं कक्षा में पढ़ाने के लिए, आपका झगड़ा हो गया है रास्ते में किसी से, या फिर आपका झगड़ा घर पर ही हुआ है और आप वाइफ से हुआ, बच्चों से हुआ, ठीक है, किसी से हुआ है, उसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
ठीक है, अब इस सिचुएशनल सवाल के लेकर कैसे जवाब देना है उसकी बात मैं आपसे अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि कंटिन्यू फोन आ रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और कुछ ही देर में आपको दूसरा पार्ट भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हेलो भारत।